नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। सीमांचल में होने वाली अमित शाह की रैली को लेकर सैयद सनबाज हुसैन ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। सीमांचल में होने वाली अमित शाह की रैली को लेकर आज गौशाला हॉल में बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री सैयद सनबाज हुसैन और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल सहित कहलगांव विधायक और कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 23 तारीख पूर्णिया में होने वाली रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं के जाने को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर रणनीति तैयार की गई। वहीं पूर्व मंत्री ने कहा कि भागलपुर जिले से काफी संख्या में कार्यकर्ता देश के गृह मंत्री को सुनने के लिए जाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि सीमांचल क्षेत्र में बांग्लादेश और नेपाल की सीमा मिलती है, जिसको लेकर भी सुरक्षा के मद्देनजर बैठक की जाएगी और सीमांचल के बॉर्डर एरिया की सुरक्षा और मजबूत की जाएगी। हुई है पूर्णिया में अमित शाह जी का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में भागलपुर में भी बहुत उत्साह है वहाँ जाने के लिए। देश के गृह मंत्री पड़ोस के जिले में आ रहे हैं तो भागलपुर से भी तैयारी है। कहलगांव, पीरपैंती, भागलपुर, सुल्तानगंज, नाथनगर, उधर नौगछिया, बीहपुर, गोपालपुर, सब जगह से संख्या जाएगी और ये सफल रैली होगी। अमित शाह जी के दौरे से सीमावर्ती क्षेत्र मजबूत होगा, ऐसा हम सब मानकर चलते हैं। और क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर है और वहाँ पर जो सीमावर्ती इलाका है उसमें गृह मंत्री जी 24 तारीख को सारी अपनी बैठक सरकारी करेंगे।